बर्ड फ्लू की जांच के लिए जबलपुर से भोपाल लैब भेजे गए सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि जबलपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहां रोज पक्षियों के शव मिलने से दहशत बरकरार है। जबलपुर में बीते कुछ दिनों से ही 80 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। मृत पक्षियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से यहां बर्ड फ्लू न होने की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन फिर भी रोजाना पक्षियों की मौत हो रही है। ऐसे में जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय ने पक्षियों में किसी नए वायरस के फैलने की आशंका जताई है। हालांकि बर्ड फ्लू की मॉनिटरिंग कर रहे विश्वविद्यालय के मुताबिक जबलपुर में अभी भी प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है, जिसके मद्देनजर बर्ड फ्लू की जांच लगातार जारी रखने की जरूरत है। लेकिन अब तक हुई पक्षियों की मौत के पीछे किसी दूसरे वायरस का फैलाव कारण हो सकता है। विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट के मुताबिक अब तक बर्ड फ्लू की आशंका के चलते ही सैंपल की जाँच की गयी थी, लेकिन अब नए वायरस या दूसरे कारणों का खुलासा तभी हो पाएगा जब पक्षियों की विस्तृत जांच की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी तक जो हमने सैंपल भेजे हैं हाई सिक्योरिटी लैब में, उसमें से सैंपल्स हमारे यहाँ के बर्ड फ्लू के लिए नेगेटिव आए हैं। तो और बाकी अभी सिर्फ हम बर्ड फ्लू को ही रूल आउट कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कोई अन्य कारण भी हो जिसकी रूल अभी नहीं करी जा रही है, क्योंकि बाकी जो विदेशों से बर्ड्स आई हैं हमारे यहाँ, तो उनके साथ माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ हम ये सोचते हैं कि बर्ड फ्लू उनके साथ आया है और उन्हीं के साथ जो वाइल्ड एनिमल्स में उनमें आ रहा है या वाइल्ड बर्ड्स में आ रहा है। किंतु हमारे यहाँ की सबसे अच्छी बात यह कि हमारे यहाँ की बर्ड्स में नहीं मिला है, तो हमको यानी अभी एकदम से निश्चिंत तो नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आसपास से अभी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं जिले में, और जब तक ये और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमको सतर्क रहना जरूरी है। पर इसमें हो सकता है या तो अदर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई दूसरा वायरस का इन्फेक्शन हो, या फिर और कुछ कारण भी हो सकते हैं जो उनको जब तक की डायग्नोसिस नहीं होगी उसका नहीं बताया जा सकता कारण क्या है। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।